नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। यूपी फतेह करने के बाद वह पहली बार पार्टी के शीर्ष नेताओं से विचार विमर्श के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच करीब पौने दो घंटे तक बैठक चली। सूत्रों की माने तो इस बैठक के दौरान सीएम योगी ने नई सरकार के गठन को लेकर पीएम मोदी से चर्चा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिला, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की ओर और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सीएम योगी ने भी आभार जताते हुए ट्वीट कर लिखा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, एक श्रेष्ठ भारत के स्वप्नदृष्टा, आदरणीय प्रधानमंत्री से आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।